इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा जंजीर वाला चौराहे के समीप स्वामी विवेकानंद स्कूल परिसर में 28 लाख की लागत से विवेक उपवन बनाया जा रहा है, जिसे लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि करीब 3 माह पहले हुए वृक्षारोपण के दौरान शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने IDA को यहाँ उपवन बनाने को लेकर आदेशित किया था, जिस पर कार्य योजना बनाने के साथ ही शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी सहित कई गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में विधि विधान से इस उपवन को लेकर भूमि पूजन किया गया। संस्था सेवा सुरभि और IDA द्वारा स्वामी विवेकानंद स्कूल के समीप इस उद्यान का निर्माण किया जा रहा है, जिसे विवेक उपवन नाम दिया गया है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद की आज जन्म जयंती है। इस उपलक्ष में हुए भूमि पूजन समारोह के दौरान विवेकानंद जी की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण भी किया। आज हम सभी का सौभाग्य है कि विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष में यहाँ विवेकानंद विवेक उपवन ऐसा यहाँ 3000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में गार्डन विकसित करने का काम सेवा सुरभि के आग्रह पर इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया हुआ है। 3 या 4 माह पहले यहाँ अपना एक कार्यक्रम था, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शहर के सभी वरिष्ठ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और उन्होंने इस बात के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण को आदेशित किया था कि यह बहुत ही पुराना विद्यालय है और यहाँ एक अच्छा गार्डन बनना चाहिए। उसी दिन से इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस पर विचार करना प्रारंभ किया और जितना एरिया हमको यह मिला है, लगभग 3000 स्क्वायर फीट का एरिया मिला है, उसमें 28 लाख की लागत से एक विवेक उपवन ये हम विकसित करने वाले हैं। पूरी इसकी ड्राइंग डिजाइन वो बनकर तैयार है, आ गई है और आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं सोचता हूँ इसके बनने के बाद इस परिसर की सुंदरता और बढ़ेगी और विवेकानंद जी के जो विचार हैं, लोग आएंगे और जानेंगे, विद्यार्थी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। लाइट वेट भी लगेगी गार्डन में, सारी सुविधा व्यवस्था इस प्रकार से बनेगी कि रोड से आने जाने वाले इस गार्डन को और विवेकानंद जी की इस मूर्ति को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, निहार सकते हैं। जो अच्छा से अच्छा किया जा सकता है इंदौर विकास प्राधिकरण इसमें करेगा। We'll be right back.